To English online classes, the student of class 2nd. Today I will teach you the question answer of chapter 5th. Okay, so the first question is A. Answer the following questions. In this A, the first question is how old is Naman. In our previous class we have discussed about 5th lesson. Aaj hum iske question answer kar rahe hain. The first question hai, so how old is Naman? Naman is 7 years old. The second is, in which school does Naman study? कौन से स्कूल में पढ़ता था नमन? नमन स्कूल नेम इज केपी हाई स्कूल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नमन स्टडीज इन केपी हाई स्कूल. ओके, द थर्ड इज व्हाट डज नमन रीच द बस स्टॉप. व्हेन डज नमन रीच द बस स्टॉप? नमन रीचेज द बस स्टॉप एट 8 o'clock. 8 बजे पहुंचता था वो. व्हाट डज ही ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में वो क्या खाता था? ही ईट्स ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, फिफ्थ इज टू हुम डज नमन बिड बाय बाय? नमन बाय बाय किसको करता है? ही बिड्स बाय बाय टू हिज मदर. ओके, एंड द बी, अब आते हैं हम बी पर. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. नमन इज अ स्टूडेंट. ही गोज टू स्कूल डेली. यहाँ से अपन को क्या करना है, चूज करके यहाँ पर आंसर लिखना है. ही ऑफर्स हिज प्रेयर एवरी मॉर्निंग. ही लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क एंड ईट ब्रेड बटर फॉर हिज ब्रेकफास्ट. एंड द फिफ्थ इज ही वियर्स नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म. ओके, अब नेक्स्ट जो है सी पर आते हैं हम. देखो इसमें मैच द कॉलम्स. कॉलम फर्स्ट से कॉलम बी. ए में आएगा अपना नमन इज 7 ईयर्स ओल्ड. ए से हम किसको मैच करेंगे? डी को. ओके, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज पेरेंट्स. तो जो फर्स्ट है उसको हम किससे मैच करेंगे? सी से. थर्ड है ही ऑफर्स हिज प्रेयर्स टू गॉड. तो थर्ड को हम किससे मैच करेंगे? ई से. ही बिड्स बाय बाय टू हिज मदर. फोर्थ हो किससे मैच करेंगे? बी से. ही रीचेज द बस स्टॉप एट 8 o'clock. एंड फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ए. ओके, एंड द डी इज राइट द अपोजिट वर्ड. फ्री बाउंड बी ओ यू एन डी. सेकेंड है बेड बी ए डी बेड. और इसका अपोजिट होता है गुड जी डबल ओ डी गुड. डर्टी डी आई आर टी वाई. और इसका होगा क्लीन सी एल ई ए एन. पुअर पुअर का होगा रिच आर आई सी एच. नेवर नेवर का होगा ऑलवेज. कम का होगा गो. न्यू का ओल्ड. एंड डाउन का अप. ठीक है, अब देखो अब यहाँ आते हैं हम एफ पर. एक बार पहले हम ई पर आएंगे. इसमें देखते हैं. देखो इसमें अपन को क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. तो यहाँ पर कविता इज राइटिंग एन एसे. यहाँ पर सिर्फ एक ही होगा. ये जो कविता है इसका के कैपिटल हो जाएगा. कविता इसको इस तरह से ही लिखना है. राइटिंग एन ऐसे. और कुछ भी इसमें अपन को दोबारा लिखना पड़ेगा. देखो यहाँ पर कविता का केस स्मॉल है ना, यहाँ कैपिटल करके इसको वापस आपको रीराइट करना है ना. माय स्कूल इज वेरी बिग. तो माय का एम जो है वो क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल कर यहाँ पे. माय स्कूल इज वेरी बिग फुल स्टॉप. काउ इज अ मिल्च एनिमल. Cow is a, इसमें भी cow capital, cow का C capital. Kashmir is paradise on earth. तो Kashmir is paradise on earth. ठीक है, अब आपने यहाँ तक लिख लिया. आगे आपको समझ में, इसमें हमने केवल क्या किया है, हमने वर्ड्स को इस सेंटेंस को दोबारा लिखा है. फिर इसमें बस आप देखो ये आपके लिए एक नया वर्ड आया इसमें
MILCH मिल्स कमिंग्स होता है वो एनिमल्स जो जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हाइट भी अच्छी होती है और जो मिल्स एनिमल्स बोलते हैं ना। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है अपना सी द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड यूजिंग वाउल्स। वाउल्स इसमें घर देखो ए आई ओ यू से इसको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ये बॉक्स है ना BOX। सेकंड है सिंगर, आई लिखा है यहाँ पर SINGER। नेक्स्ट है टब TUB टब। नेक्स्ट है लोक LOCK लॉक। नेक्स्ट है हैन HEN हैन। और नेक्स्ट है KEY की। ओके तो यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ओके अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ।